मुझे एक बात याद आ रही है, दो शब्दों में कहना चाहूँगा शिक्षा के तौर पे। एक बार मैं बहुत बीमार हो गया घर में। उस समय घर में अकेला था, मेरे परिवार के सभी सदस्य दिल्ली में थे, मैं सिर्फ अकेला था। यहाँ तक कि मैं स्वयं अपने हाथ से खाना नहीं बना सकता था, दो तीन दिन हो गए लेटे हुए। उस समय मुझे एक अनुभव आया था, किताब में पढ़ लेना समझ जाएंगे। पड़ोस की एक स्त्री ने मुझे आकर के खाना दिया, दरवाज़ा खटखटा के, कि तीन दिन में निकला ही नहीं क्योंकि चारपाई से उठ ही नहीं सकता था। एक बार घोर कष्ट मिला मुझे, मानसिक क्लेश मिला, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई, मार्ग नहीं सूझ रहा था, तो ध्यान क्या लगेगा। जबरदस्ती मैंने ध्यान का प्रयास किया। अनुभव में एक दिव्य शक्ति मेरे सामने थी, मैं इस समय नाम नहीं लेना चाहता, ये भी अनुभव किताब में है। मैंने कहा, प्रभु आप चाहे जितना मुझे कष्ट दे दें। मैंने कहा, प्रभु आप निश्चय ही बहुत कमजोर हैं, कमजोर हैं। मैं किसको कह रहा हूँ, सर्वोच्च सत्ता पर जो बैठे हुए, अर्थात अपरा प्रकृति का जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो कर्ता और धर्ता हैं, उनको मैं कह रहा हूँ आप बहुत कमजोर हैं। मैंने कहा, आप में अगर सामर्थ्य है तो मुझे इस अध्यात्म मार्ग से विचलित कर दें। आप में सामर्थ्य नहीं है, मेरी समाधि लगे लगे ना लगे, मैं आपका नाम तो बचता ही रहूँगा। मेरी जीभ नहीं चलेगी तो क्या होगा, मन से तो याद करता ही रहूंगा, मैं लंगोटी लगा जीवन व्यतीत कर लूंगा, मगर मैं अपने मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। समझ गए? मैंने किसको कहा? सर्वोच्च शक्ति को। किताब में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, योग कैसे करें। ठीक है, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मैं आज भी जब कुटिया में जाता हूँ, कठोर साधना करता हूँ। ठीक है, आप तो सन्यासी हैं, मैं सन्यासी नहीं हूँ। हालांकि मेरी गुरु माता ने सितंबर 92, मुझे याद आ रहा हूँ, मैं कहा था मिरज में, मिरज महाराष्ट्र, आनंद कुमार तुम्हारा ब्रह्मरंध्र खुल चुका है, अब तुम सन्यास के योग हो गए। मैं तुम्हें दीक्षा सन्यास की दीक्षा दिलवाना चाहती, मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, लेकिन स्वामी चिदानंद जी से मैं दीक्षा दिलवाऊंगी। और स्वामी चिदानंद शिवानंदास जी के शिष्य, और अब तो नहीं है, उन्होंने शरीर को त्याग दिया, शिवानंदाश्रम ऋषि के, मैंने उनके हाथ जोड़े, गुरु माता के, माता जी मैं अब सन्यास के योग्य नहीं हूँ। दो कारण बताए, एक सन्यास के योग्य मैं हूँ ही नहीं, दूसरा एक और कारण था, वो कुछ घरेलू था, मैं कहना नहीं चाहता। हमारे शास्त्रों में भी कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार मैं संन्यास धारण नहीं कर सकता था। और देखो, हालांकि माताजी थोड़ा हल्का सा उन्होंने सोच पड़ गई कि आनंद कुमार को, या पहला मैं उनका शिष्य था जिसको ये कहा गया था कि मैं संन्यास की दीक्षा देना चाहता हूँ, दिलवा दूंगे, आप सदैव आजीवन जब तक आप जीवित रहें, मेरी शरीर त्यागने के बाद भी इस आश्रम में रह सकते हैं, आपसे बहुत लोग प्रेम करते हैं, आपके अंदर इतनी योग्यता है, मैं देख रही हूँ आगे और योग्य बनेंगे। फिर भी मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे अंदर इच्छा ही नहीं चली। मतलब ये नहीं है, जब इच्छा नहीं चली तो नहीं चली। अगर मैं सन्यासी होता तो बड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। आजकल तो मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी आता हूँ, किसी भी वेश में घूमता हूँ। ठीक है, Thank you.
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.